फ्रंट में हमने इसके अंदर 220 वाट की अल्ट्रा ऑडियो की एलईडी लगाई है, के नीचे बिया की फोगलेट कंपनी की लगी आई थी बाहर से, ठीक है। तो हमने इसके अंदर लगाई है डीआरएल, ये डीआरएल लगी है, ठीक है। मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर जो स्पेस अच्छा खासा स्पेस हो, 200-300 मीटर तक कवर करने वाला है, तो इसमें तीन चीज मिलने वाली है, पार्किंग, इंडिकेटर, व्हीरिक। तो मैं अपना यहाँ पे लैदर कैप लगा है, ठीक है, जो अपना डायमंड में कुशनिंग के साथ लगा है, और डोर में अपनी एम्बे लाइट लगी है। सीट कवर में तो हमने इसका पूरा पूरा इंटीरियर किया, जिसमें अपना पिलर भी आ गया, अपना डैशबोर्ड भी आ गया, ओके। डबल टोन में हमने इसके अंदर स्टेयरिंग कवर सी है, ठीक है। तो सीट कवर की बात कर लेते हैं, बकेट फिटिंग हुए, बकेट है, बढ़िया कुशनिंग के साथ। स्टार्टिंग रेंज कितना है सीट कवर? स्टार्टिंग तो अपनी 3000 से आ जाती है। 3000 से भाई, अगर जो आपको सीट कवर में कुछ प्रॉब्लम दिखे, स्ट्रेचिंग या आपका पपड़ी ये छोड़े बीच बीच में, जैसे पपड़ी छोड़ दे, तो आप हैंड टू हैंड चेंज करवा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तुरंत लाइए सीट कवर, उतराइए, भैया ये चीज प्रॉब्लम है, तुरंत हैंड टू हैंड भैया दूसरा चढ़ा के दोगे, बिल्कुल नए पीस देंगे। तो ये डैशबोर्ड का जो पार्ट है ना भाई साहब, एक नंबर देख सकते हो भाई साहब, कहीं से ऐसा नहीं है कि कपड़ा उधरा है या कुछ है। पिलर के साथ में देख सकते हो, फिटिंग काफी अच्छा इसमें देखने को मिल जाती है। सीट कवर के साथ में पूरा इंटीरियर एक ही कलर का हुआ है, ये डायमंड वाला है, जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है, ब्लिनो वाले भाई, प्रॉन्स वाले भाई, पंच वाले, ब्रेजा वाले सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिफ्ट वाले, जो नई शिफ्ट निकली है, उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है, डबल नोब वाली है। सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि उसमें लैग बिल्कुल कभी नहीं करती है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं स्मूथिंग कितना, देख लो भाई, जो कोई भाई 4/32 फिटिंग करके ले जाना चाहता है तो कितने तक का होगा? 6000 रुपए में मैं लगा के दे दूंगा। अच्छा, कोरियर बहुत कराते हैं, कोरियर भी मिल जाएगा। कोरियर कराने के लिए एड्रेस देना पड़ेगा? हाँ, एड्रेस, पेमेंट पूरा देना पड़ेगा? पेमेंट, हाँ भाई। सो दोस्तों, आज हम आए करोल बाग, आज का अपना फेवरेट शॉप रहने वाला है ब्लू स्टार डेकोर, जो कि यहाँ आ चुकी है ओल्ड बलिनो। इसमें जो मॉडिफिकेशन हुई है भैया, एक नंबर झक्कास मॉडिफिकेशन हुई है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर हुआ है, एक नंबर इंटीरियर, उसमें स्पीकर, उसके बाद जो एंड्रॉयड लगी है, एक नंबर वाली लगी है, डायमंड टू वाला पहले ही बता देता हूँ, डायमंड टू वाली लगी है। इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि आपको इंटीरियर करवाना होगा या एम्बियंस लाइट या अदर काम करवाना होगा, तो आप आ सकते हो पीयूष कार्ड डेकोर पे। तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन रहने वाली है। तो हमारे साथ है विक्की भाई, विक्की भाई बताएंगे इसमें क्या फ्रंट साइड से मॉडिफिकेशन हुई है, इंटीरियर में क्या हुआ, साइड में क्या हुआ, बैग में क्या हुआ है। तो विक्की भाई कैसे हो? बढ़िया। क्या लाए हो ऑडियंस के लिए आज? आज ओल्ड बलिनो है, जो बेस्ट टॉप करी है, पूरा इंटीरियर, एलईडी वैलिडी, एम्बियंट लाइट, सिस्टम कैमरा, ओके, सब इसमें लगा है। तो फ्रंट से बात करते हैं, फ्रंट में क्या कुछ चेंजेस हुई है? फ्रंट में हमने इसके अंदर 220 वाट की अल्ट्रा ऑडियो की एलईडी लगाई है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें एलईडी भी लगी है 220 वाट का। हाँ। उसके साथ में एक छोटा सा बल्ब, ये पार्किंग में जाता है, ये येलो आता है, इसको भी साथ में व्हाइट कर दिया, ठीक है। उसके नीचे में, इसके नीचे बिया की फोगलेट कंपनी की लगी आई थी बाहर से, ठीक है। तो हमने इसके अंदर लगाई है डीआरएल, ये डीआरएल लगी है। हाँ। तो इसका रिस्पांस देखते हैं, जला करते हैं, काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाता है। अभी इंडिकेटर पे है, मैट्रिक्स में है, ठीक है। इंडिकेटर इसमें क्या क्या मिलता है? पार्किंग इसमें अपने इग्निशन पे इसकी डीआरएल ऑन रहती है, ओके। अभी ये इंडिकेटर दे रहा है, वो इंडिकेटर मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर अभी बंद करके दिखाते हैं, उसके बाद इसका हेडलाइट में जो एलईडी लगा है, 220 है ना? 220 है भाई साहब, कम से कम 200-300 मीटर तक कैच करने वाली है। तो हेडलाइट का थ्रो देखते हैं, देख सकते हो हेडलाइट का थ्रो लग रहा है इसके अंदर। भाई साहब, अगर जो स्पेस अच्छा खासा स्पेस हो, 200-300 मीटर तक कवर करने वाला है, तो इसके बाद हाई लो बीम दिखाना, देख सकते हो हाई लो बीम, काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, 220 वाट का है। तो फ्रंट से और कुछ चेंज कर सकते हैं? आप यही है, बाकी आपके अंदर इसके अंदर बहुत तरह की आती है, फोगलेट चेंज कर प्रोजेक्टर लगवा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ एक पेस्टिंग वाली डीआरएल भी लग सकती है, लेकिन इतना लुक आता नहीं है, तो बिया कह रहे हैं फोगलेट डीआरएल ही दे दीजिए, इसमें बढ़िया लगेगी, ठीक है। तो साइड की बात कर लेते हैं, साइड में क्या क्या चेंजेस हुई है? साइड में तो ये सब बिया अपना भारी करवा रखे थे, अलॉय व्हील्स वैसे भारी लगी है। साइड से जो दरवाजे है, दरवाजा भी अपने पास मिल जाएगा, क्रोम वाले चाहिए, क्रोम वाला भी मिल जाएगा, क्रोम वाला चाहिए डोरवाइजर वो भी लग जाएगा, प्लेन वाला थोड़ा क्रोम वाला थोड़ा रेंज ज्यादा रहता है प्लेन वाले से। हाँ। यहाँ लोअर गार्निश पहले से लगा था, लोअर गार्निश नहीं, क्रोम टाइप की आती है, इसमें चिपकके लगती है। अच्छा, किसी वाले को अगर जो लगवाना होगा तो अच्छे वाले भी मिल जाएंगे। हाँ। ये हैंडल क्रोम पहले से लगा था, बारी से लगा है, ठीक है। ये आपको चाहिए होगा तो हमारे पास भी अवेलेबल है, ठीक है। साइड नीचे साइड फिटिंग भी है कि बारी से लगी पड़ी थी, ओके। हाँ,
इसके छत छत पे कुछ हुई है? ये छत ब्लैक करी गई है, पूरी छत ब्लैक हुई है। हाँ। ठीक है, पूरी छत ब्लैक, हाफ गाड़ी ब्लैक हुई है। किसी हाँ। भाई को ब्लैक करवाना हो, टिपिंग करवाना हो तो उस कार पे आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैक साइड में, बैक साइड में क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुई है? बैक में तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस अपनी एक रिफ्लेक्टर लाइट लगी है जो आपको ब्रेक पार्किंग इंडिकेटर का वो देता है। ठीक है, जिसमें तीन चीज मिलने वाली है, पार्किंग इंडिकेटर ब्रेक। ठीक है, अभी इंडिकेटर पे है ना, काफी अच्छा इसमें तीन चीजें मिलती है, तो आप किसी भाई को लगवाना होगा तो आप संपर्क कर सकते हो। बाकी कैमरा भी लगा? हाँ, कैमरा भी लगा था। कैमरा कौन सा है? AHD है, मूविंग वाला। ठीक है, AHD है, बंपर वाला जी? हाँ, बंपर वाला। हाँ ठीक है, बंपर वाला। इस प्रॉब्लम में नीचे तो बिया कह रही थी, इसमें मैं डील करके नहीं लगवाना चाहता हूँ। ओके, इसलिए हम सबने बोला की कोई बात नहीं, आप बंपर में लगवा लीजिए। ठीक है, किसी भाई को अगर जो रियर गार्ड लगवाना हो सेफ्टी पर्पज के लिए, वो भी लगवा सकते हो। हाँ। एक बम्पर कॉर्नर आता है जो कि चार आता है, चारों तरफ लगवा सकते हो। बाकी बैक साइड से कुछ मॉडिफिकेशन रहने वाली है, जो काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर हुआ है, इंटीरियर में एक नंबर वाला काम हुआ। तो अब चलते हैं, इंटीरियर दिखा देते हैं। अंदर चलने से पहले हम गत्तों में बात कर लेते हैं, गत्तों में क्या क्या चीजें हुई है। गत्तों में अपना यहाँ पे लैदर अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये अपना डायमंड में कुशनिंग के साथ लगा है और डोर में अपनी एम्बर लाइट लगी है। ठीक है, और इस जगह प्लेन आता है, लेकिन हमने इसके अंदर स्टिचिंग भी कर दी है साथ में, जिससे कि बढ़िया लुक आए। ठीक है, स्टिचिंग की बात कर ले, काफी अच्छा स्टिचिंग देखने को मिल जाएगा। एम्बियंस लाइट जो है ना भाई, एम्बियंस लाइट K4 वाली है ना? हाँ जी, K4 है। अच्छा, K4 वाली है जो कि रनिंग चलती है, अभी फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन रनिंग चला सकते हो। इसमें एक चीज और भी करवा सकते हो, डैम्पिंग जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। डैम्पिंग से ऐसे फायदा बता दे आपको, डैम्पिंग से आपका कूलिंग अच्छा हो जाता है, बाहर की नॉइज कम हो जाती है, दरवाजा इसका भारी हो जाता है। तो एक कुछ मॉडिफिकेशन में अगर जो डैम्पिंग डाल लेते हो तो काफी अच्छा हो जाती है। वैसे पर सीट कितने से स्टार्टिंग है? पर सीट अपनी 400 रुपए से स्टार्टिंग, 400-500 से स्टार्टिंग रेंज है, 1000 रुपए तक की है। ओके, तो स्पीकर कौन सा लगा इसमें? स्पीकर कंपनी वाले बीएन रहने दिए। ठीक है, स्पीकर अगर जो अपने पास आए हैं तो कितने से स्टार्टिंग रेंज होगा? स्पीकर तो अपने पास 1000 रुपए से स्टार्टिंग है, 18000 रुपए तक की है। ठीक है, 18000 तक? हाँ, सोनी ESP मिल जाएगा अपने पास। ओ भाई, अगर जो आप 1000 रुपए से, 1000 वाला तो नॉर्मल ही होगा। हाँ। लेकिन अगर जो 18000, 6000-6500 में आपको नॉर्मल आवाज, बढ़िया आवाज वाले मिल जाएगी। ठीक है, बात कर लेते बेस में। बेस में जो चीज इसमें मॉडिफिकेशन में और चीज आप करवा सकते हो, जैसे कि इसमें फ्लोरिंग करवा सकते हो, पहले से ये हुआ था लेकिन आप फ्लोरिंग करवा सकते हो, ग्रास मैट लगाए, लेकिन आप 7D मैट या कोई भी मैट फ्लोरिंग के ऊपर यूज कर सकते हो। फ्लोरिंग दो आती है, नॉर्मल आती है, एक आती है डाई वाली। इसमें मुझे लगता है कि नॉर्मल वाली है, लेकिन आप डाई वाला भी करवा सकते हो, उसमें वाटरप्रूफ होता है, पानी जो होता है बेस में नहीं जाती है, जिससे आपकी जंग मुर्चा पकड़ने की कोई संभावना नहीं है। तो अब बात करते हैं जो मेन चीज हुई है इंटीरियर का, वो है भाई साहब सीट कवर। तो सीट कवर में क्या चीज है बताइए? सीट कवर में तो हमने इसका पूरा पूरा इंटीरियर किया, जिसमें अपना पिलर भी आ गया, अपना डैशबोर्ड भी आ गया। ओके, डबल टोन में हमने इसके अंदर स्टीयरिंग कवर किया। ठीक है, तो सीट कवर की बात कर लेते हैं, बकेट फिटिंग हुए, बकेट है, बढ़िया कुशनिंग के साथ। ठीक है, डायमंड डिजाइन है, जो कि इसमें आपको काफी अच्छे अच्छे रेंज में सीट कवर मिल जाएंगे। वैसे स्टार्टिंग रेंज कितना है सीट कवर? स्टार्टिंग तो अपनी 3000 से आ जाती है। 3000 से भाई? हाँ। ओ यार, 3000 से ऐसी सीट कवर आ जाती है, स्टार्टिंग रेंज है। बाकी अलग अलग लेदर में आपको अच्छे अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे, वैसे प्राइसिंग तो काफी अच्छा सही है। और सीट कवर की जो फिटिंग हुई है भाई साहब, एक नंबर, इसकी तो लाइफ टाइम वारंटी होगी। हाँ, लाइफ टाइम वारंटी। तो भाई किसी भाई को अगर जो सीट कवर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर जो आपको सीट कवर में कुछ प्रॉब्लम दिखे, स्टेचिंग या आपका पपड़ी ये छोड़े बीच बीच में, जैसे वो पपड़ी छोड़ दे, तो आप हैंड टू हैंड चेंज करवा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तुरंत लाइए सीट कवर, उतराइए, भैया ये चीज प्रॉब्लम है, तुरंत हैंड टू हैंड भैया दूसरा चढ़ा के दोगे, बिल्कुल नए पीस देंगे आपको। ठीक है, और इसमें सिल्वर टुलवर की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बकेट जिसे बोलते हैं, एक नंबर थाई सपोर्ट के साथ मिलने वाली है, जैसे सोफे का फिटिंग होता है वैसे फिटिंग देखने को मिलती है। तो सीट कवर के साथ में आप बता रहे थे पिलर भी हुई है, अपना डैशबोर्ड भी हुआ है पूरा। तो डैशबोर्ड का जो पार्ट है ना भाई साहब, एक नंबर देख सकते हो भाई साहब, कहीं से ऐसा नहीं है कि कपड़ा उधरा है या कुछ है, पिलर के साथ में देख सकते हो, फिटिंग काफी अच्छा इसमें देखने को मिल जाती है। सीट कवर के साथ में पूरा इंटीरियर एक ही कलर का हुआ है, छत बचा है, छत अगर जो किसी भाई को छत खाली करवाना हो मिल जाएगी इसमें, छत ब्लैक हो तो इसमें स्टार लाइट भी अपनी लग सकती है। ओके भाई साहब, स्टार लाइट किसी भाई को लगवाना हो, लेकिन यार वाइट नहीं की है बल्ब, भैया कह रहे हैं वाइट मेरे को अंदर ठीक इतनी ठीक है, ठीक है
अंदर येलो चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ना जो अपना भाई के लिए रहता है, जो भाई तोसने के लिए। ओके ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग रैप। स्टेयरिंग रैप है डबल टोन में है। हाँ। जिसे मोम डिजाइन बोलते हैं। हाँ, मोम डिजाइन। ठीक है, तो डबल टोन में स्टिचिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाती है इसकी। देख सकते हो स्टिचिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाती है, जो कि एकदम मैचिंग किया गया है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक किया गया है। हाँ। यहाँ देख सकते हो एक कलर है तो यहाँ एट कलर, मतलब डबल टोन में होता है। तो मेन काम एक चीज और हुआ है जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है, लेटेस्ट डायमंड टू, डायमंड टू वाला। तो भैया ये डायमंड टू वाला है जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है। ब्लिनो वाले भाई, प्रॉन्स वाले भाई, पंच वाले, ब्रेजा वाले सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिफ्ट वाले जो नई शिफ्ट निकली है उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है। डबल नोब वाली है, देख सकते हो। इसके बारे में बात करते हैं, फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ऐप क्या क्या मिलने वाली है इसमें। ऐप तो अपनी सब मिल जाती है, एप्पल कारप्ले भी आ जाएगा। अच्छा, लैग और तो नहीं करता ना बिल्कुल। इसकी सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि इसमें लैग बिल्कुल कभी नहीं करती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं स्मूथिंग कितना। देख लो भाई, लैग करने वाली कोई दिक्कत नहीं है। ये 4/32 है, 4/32 कारप्ले। अच्छा, इसमें 2/32 भी आती है। 2/32 इतना कोई लेता नहीं है, 4/32 आपका सबसे बढ़िया। ठीक है, अगर जो 4/32 कोई भाई, पहले फिटिंग की बात कर ले भाई। जो कहते हैं ना फिटिंग नहीं आती होगी, फिटिंग प्रॉपर आएगी। लो भाई फिटिंग देख लो, फिटिंग एक नंबर देखने को मिलेगी। अगर जो कोई भाई 4/32 फिटिंग करके ले जाना चाहता है तो कितने तक का होगा? 6000 रुपए में लगा के दे दूंगा। 6000 में फिटिंग पूरा? हाँ, किसी भाई को चाहिए तो। अगर जो कोई भाई कोरियर, आजकल कोरियर बहुत कराते हैं, कोरियर भी मिल जाएगा। कोरियर कराने के लिए एड्रेस देना पड़ेगा? एड्रेस, पेमेंट पूरा देना पड़ेगा? पेमेंट। हाँ भाई, किसी भाई को कोरियर करवाना हो पेमेंट पूरा कर देना, एड्रेस दे देना जहाँ पहुँचाना, लेकिन उसमें चार्ज लगेगा। कोरियर का जो चार्ज होता है चार्ज लगेगा। जो इसकी प्राइसिंग है, प्राइसिंग भाई जो रहेगी सेम रहेगी। हाँ। लेकिन कोरियर का जो चार्ज होता है, जैसे जहाँ पहुंचाना होगा उसका जो चार्ज होगा उसका अलग से लगेगा। बाकी जो प्राइस है, भाई का नंबर है स्क्रीन पे, प्रवेश जी का नंबर चल रहा होगा, बात कर लेना, आप बता देंगे सारा कुछ। तो बैक कैमरा देख लेते हैं, HD लगी है बैक कैमरा, इसमें चेक करते हैं तो देख सकते हो भाई एक नंबर लो। बाकी देख सकते हो काफी अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। कोई किसी भाई को अगर जो डायमंड टू वाला चाहिए तो कोरियर भी करा सकते हो। बाकी अगर जो खाली यही लगवाना हो तो आके लगवा सकते हो। इसके साथ स्पीकर 1000 से स्टार्टिंग है, 18000 तक जाती है। क्यों? हाँ जी। तो किसी भाई को चाहिए लगवा सकते हो। बाकी एम्बियंस लाइट का फिटिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाएगी। K4 आती है, K3 आती है। किसी भाई को K3 लगवाना हो वो भी मिल जाएगा, K4 लगवाना वो भी मिल जाएगा। ये 10 पीस वाली है ना? अपनी 10 पीस भाई नीचे भी लगी है। लो 10 पीस वाली है, पैर के नीचे यूं करने पे पैर के नीचे रोशनी आएगी, ऊपर तो चारों गत्तों में, उसके बाद डैशबोर्ड में भी रोशनी मिलने वाली है। वैसे 18 पीस कितना कितना पीस होता है एक बार बता। इसमें 6 पीस आता है, 10 पीस आता है, 14 पीस आता है, 18 पीस आता है, 22 पीस आता है। अच्छा, अगर जो किसी भाई को लगवाना हो K4 सही रहेगा या K3 सही रहेगा? मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप K4 लगवाइए। K4 में सारा चीज मिल जाता है। पहला नंबर कलर की बात करें, देख सकते हो अलग अलग कलर थोड़ा थोड़ा दूर पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा नंबर रनिंग करने वाली है, K4 में रनिंग करने वाली है। और कुछ इसमें अंदर चेंज हो सकता है? अंदर हो सकता है, छत ब्लैक हो सकती है। ठीक है, स्टार लाइट लग सकती है। ओके, भैया ने ओरिजिनल आमलेस नहीं लगवाया, हमने ऑटो मार्केट भी लगवा दिया। एप्पल मार्केट? हाँ ठीक है, ओरिजिनल भी मिल जाएगा। लो भाई ऑटो मार्केट में मिल गया ओरिजिनल। किसी भाई को चाहिए नेक्सा वाला? नेक्सा ओरिजिनल, ठीक है वो भी मिल जाएगा। लेकिन भैया का आफ्टर मार्केट ही बजट तो आफ्टर मार्केट ही लगाए। हाँ। बाकी अगर जो कोई भाई बेस टू टॉप करा है, हाँ, उसके लिए कुछ फ्री तो होगा? फ्री तो हम भैया का जो मन जाता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, जो भैया का मन जाता है उनके उनके हिसाब से दे देते हैं। ठीक है, वैसे भाई कॉल कर सकते हो, फ्री के चक्कर में ना पड़े तो ही। हाँ, अच्छा तो बढ़िया है। जो इसमें प्राइसिंग जो भी है ऊपर नीचे हो सकती है, आने के बाद आप दुकान पे आइए, जो भी होगा उसमें देख लेंगे। लेकिन फ्री के चक्कर में लोग गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। हाँ। तो बाद में बोलते हैं भैया वहां गए थे, ये यूट्यूब पे दिखाए थे, इतना इतना डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन जाने के बाद कुछ और ही निकला। हाँ। ऐसे बहुत से कस्टमर मिले हैं, हमसे भी मिले हैं, कमेंट भी किए थे। ये फ्री के चक्कर में ना किसी के शॉप पे जाइए, बाकी ऐसे शॉप पे विजिट कीजिए जहाँ असलियत में अच्छा काम होता हो। क्यों? ठीक है, तो मॉडिफिकेशन अंदर यही कुछ हुई है, बाहर में चीजें आप चेंज करवा सकते हो, जो हमने आपको बताया है आप चेंज करवा सकते हो। तो जितनी मॉडिफिकेशन थी हमने आपको दिखाया,
वैसी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आना गए फ्यूज कार्ड डेकोर अब्दुल अजीज रोड पर। ठीक है, तो भैया ऐसी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए आप आ सकते हो फ्यूज कार्ड डेकोर, जो कि अपना करोल बाग अब्दुल अजीज रोड आती है, उसी के बगल में आपको आनंद होटल देखने को मिल जाएगा, यहाँ सामने मद्रासी मंदिर देखने को मिल जाएगा, जस्ट इसी के सामने आपको फ्यूज कार्ड डेकोर देखने को मिल जाएगा। वैसे भैया का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, प्रवेश जी का, श्री जी का, आप संपर्क कर सकते हो, जो भी आपका क्वेरी हो आप पता कर सकते हो, कितने प्राइस में क्या क्या चीजें अपडेट हो सकती है। लेकिन एक बार मैं कहूंगा आप गाड़ी लेके विजिट कीजिए, जो चीज दुकान पे होती है फोन पे नहीं होती है, तो आप एक बार गाड़ी लेके आइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत।